सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछला अपडेट 18.5.1 को अपडेट कर लिए हैं और अपडेट करने के बाद पोषण ट्रैकर ऐप पे आप काम कर रहे हैं तो आपको कई सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। तो चलिए उन समस्याओं के बारे में बात करते हैं, वो समस्याएँ कौन कौन सी है और कैसे उसको ठीक किया जाएगा। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप 18.5 और 18.5.1 अपडेट देख चुके होंगे। 18.5 में जो अपडेट आया था, किसी भी बच्चे का हम लोग आधार अपडेट कर सकते हैं उसके माता पिता के आधार के जगह पे, ठीक है। तो अभी आप लोग आधार अपडेट कर रहे होंगे बच्चे का, तो आप लोगों को वहाँ पे एक समस्या देखने को मिल रही होगी। चलिए पहले उस समस्या के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बेनिफिशरी वाले पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों की कैटेगरी ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद चलिए हम एक बच्ची का आधार अपडेट करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मैंने इस बच्ची का जो है कि 2 बार आधार अपडेट कर दिया है, फिर भी यहाँ पे आधार अपडेट नहीं हुआ है। नाम सुन लीजिए, आरुषि कुमारी। मैंने पिछले 2 वीडियो में इस बच्ची का आधार अपडेट किया, फिर भी यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि इसका आधार अपडेट नहीं हुआ है। आधार अपडेट उस टाइम हो जा रहा है, लेकिन फिर से कुछ टाइम बाद इस बच्ची का जो आधार अपडेट का ऑप्शन है यहाँ पर फिर से खुल के आ जा रहा है। चलिए फिर से इसको हम अपडेट करते हैं। अपडेट नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बच्ची का आधार नंबर, फुल नेम और इस पर आधार डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे। चलिए यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे उस बच्ची का आधार नंबर फिर से डाल दिया है, एज पर आधार जैसा नाम है वैसा हमने डाल दिया है। डेट ऑफ बर्थ भी सेम टू सेम आधार से मिलान करके डाल दिया है। डालने के बाद यहाँ पर मेल फीमेल सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम आधार वेरीफाई वाले पर क्लिक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे इनवैलिड आधार नंबर लिख के आ रहा है, जबकि यहाँ पे हमने उस बच्ची का यहाँ पे सही आधार नंबर डाला है। कि पहले जब मैंने आज ही इस बच्ची का आधार अपडेट कर रहे थे तो वहाँ पे दूसरा मैसेज लिख के आ रहा था कि ओनली 5 बेनिफिशरी अलाउड इन 1 आधार, तो इस प्रकार से कुछ मैसेज लिख के आ रहा था। तो जब जब आप लोग आधार अपडेट करेंगे तो इस प्रकार के मैसेज आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। देखिए, ये जो अभी त्रुटि है वो पोषण ट्रैकर ऐप जो न्यू अपडेट आया है इसमें अभी आप लोगों को इस प्रकार की त्रुटियाँ देखने को मिल रही है, ठीक है। और अगर आप बच्चे का आधार अपडेट कर देते हैं तो अपडेट करने के बाद ये जो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन है वो यहाँ से हाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो 3 डॉट है, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो प्रोफाइल अपडेट है या फिर जो ग्रोथ मॉनिटरिंग वाला ऑप्शन है वो भी यहाँ पे हाइड कर दिया जाएगा। पे 3 डॉट पे क्लिक कर रहे होंगे जो बच्चे का आधार अपडेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट का जो ऑप्शन है वो भी हाइड हो जाएगा। यहाँ पे जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है वो भी यहाँ पे हाइड हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि प्रोफाइल अपडेट हाइड हो जाएगा तो कुछ चेंज वगैरह नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है वो हाइड क्यों हो रहा है, ये समस्याएँ अभी बनी हुई है आंगनबाड़ी सेविकाओं को। तो देखिए, ग्रोथ मॉनिटरिंग तो हमें हर महीने करनी होती है, तो ये पोषण ट्रैकर ऐप में जो अपडेट आया है उसी के साथ ही ये समस्याएं बनकर आई हुई है। तो अभी आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें जल्द ही एक नेक्स्ट अपडेट आएगी जिसमें कि ये सारी समस्याएं जो है कि आपकी ठीक हो जाएगी। तो आप लोगों को अभी करना क्या है, फिलहाल वेट करना है, ठीक है। चलिए एक और समस्या के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो प्लस का निशान है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे कि आप लोग किसी न्यू बेनिफिशरी को रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा कि जो बेनिफिशरी हैं जैसे कि गर्भवती धात्री, तो उनका जो प्रोफाइल अपडेट है वो भी वहां पे क्लोज हो जाएगा। बच्चों का भी प्रोफाइल अपडेट न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप लोग वहाँ पर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं प्रोफाइल अपडेट में जाके। तो इस प्रकार की ये समस्याएं बनी हुई है। ये समस्याएं भी आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट अपडेट आएगी उसमें ये समस्याएं ठीक होगी, और भी कई नई अपडेट आ सकती हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो है कि इस पोषण ट्रैकर ऐप में ऐड किया जा सकता है। तो फिलहाल अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की समस्याएं आप लोगों को हमें दिखानी थी कि क्या क्या समस्याएं आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो क्या आप लोगों को भी इस प्रकार की समस्या आ रही है पोषण ट्रैकर ऐप में काम करने के वक्त, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।